हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आज जो आपके लिए वीडियो है ये PQRS का एक बड़ा प्यारा सेट जो हमने चुराया है 2018 के एक सेट से, सॉरी माफ़ी चाहूँगा 2013 के एक सेट से। 2013 में एक एग्ज़ाम हुआ था आपका CGL मेंस का, सेट नंबर 8 आपको ये मिल जाएगा MBA बुक में। सेट नंबर 8 है MBA बुक में, बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ करा ही रहा हूँ, इसमें आए हुए PQRS मैं आपको कराने वाला हूँ। मैंने आपको बताया है PQRS जो है आपके तीन तरह के होते हैं। पहले ग्रामेटिकली बेस्ड, एक ही सेंटेंस को तोड़ के दिया जाता है, आपको उस सेंटेंस को सीक्वेंसिंग ऑर्डर लगाना होता है। दूसरा क्लोज टेस्ट आप PQRS होते हैं आपके सेंटेंस बेस्ड, जहाँ पर खूब सारे सेंटेंसेस का सीक्वेंस बिगाड़ जाता है, आपको उन्हें सिर्फ सीक्वेंस में लगाना होता है। और तीसरे आपके मिक्सअप होंगे, टाइप वन और टाइप टू के मिक्सअप। यहाँ इस सेट में दोनों ही तरह के PQRS आए हुए हैं। इस दोनों ही तरह के PQRS को आज हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे टाइप वन जितने भी आए हुए PQRS हैं उन सबको हम सोल्व करते हैं। मेरे साथ सीखेगा, इतना आसान लगेगा कि आप सोच नहीं सकते कि ये भी एक तरीका हो सकता है PQRS को सॉल्व करने का। अगर आपको सच में आसान ना लगे तो आप मुझे बताइएगा कि इससे आसान और क्या हो सकता है। यस, आप चाहें जो भी कुछ कर सकते हैं, फिर मेरे लिए एक्शन ले सकते हैं, लेकिन आपको डेफिनेटली मज़ा आने वाला है, ये मैं लिख के देने वाला हूँ, क्योंकि इतना मुझे भी भरोसा है और अब आपको भी हो गया होगा मुझ पर। तो फिलहाल चलते हैं, पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं आज की बात। कह रहा है कि द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ज़रा ध्यान से पूरा पूरा देखते चले जाएगा 45 सेंटेंस में क्या कह रहा है। 45 सेंटेंस में पहले ही ऑप्शन में उसने आपको दिया द अवेलेबिलिटी। बच्चों थोड़ा स्लो चलूँगा मैं, थोड़ा सा स्लो, क्योंकि मुझे आपको ये समझाने हैं खूब अच्छे से, एक बार आपके दिमाग में फंस जाएँ, फिर उसके बाद में हम लोग जो मर्जी करते रहेंगे। क्लियर बात, इलेक्ट्रिक पावर। तो यहाँ पे अगर मैं गौर करूँ, सो मेरे रूल से जो मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानते हैं, ख़त्म हुआ। इस सेंटेंस में अभी तक भी द अवेलेबिलिटी के लिए वर्ब नहीं आई है। क्लियर। मैंने जो बताया आपको, मैंने क्या बताया कि दुनिया कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बन सकता, यानी कि ये भी नहीं बनेगा, ये भी कन्फर्म है। बिना वर्ब के इस सेंटेंस को आप नहीं बना सकते। अब मुझे इसके लिए सबसे पहले मुझे वर्ब ढूंढनी है कि वर्ब कहाँ है। जैसे कि लड़के के लिए लड़की ढूंढते हैं और लड़की के लिए लड़का, ऐसे सब्जेक्ट के लिए वर्ब ढूंढनी है। वर्ब किस में है आपके यहाँ पे? पी में है, बिल्कुल है भाई, मान्य है। क्यों में टू के बाद है, फिर से वही बात, प्रपोजिशन के बाद लोग कुछ नहीं मानते। आर में भी टू के बाद है, प्रपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानते। एस में एंड आ गया है, एंड आपका एक कंजक्शन है, ये भी वर्ब नहीं होगी। वर्ब आपके सिर्फ और सिर्फ पी के पास है। किसके पास है? पी के पास है, यानी कि ये कंफर्म हुआ कि सेंटेंस की स्टार्टिंग जो आपकी पी से होगी। किससे होगी? पी से। ऑप्शन को भी साथ साथ देखना है, ऐसा नहीं है कि आप पूरा PQRS बनाएं तो ही दम लें। यस, आपका उद्देश्य साफ साफ सिलेक्शन लेने से है और कोई आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन लीजिए, आपको अंग्रेजी का मास्टर नहीं बनना है, ये ट्रिक आप अपने आप पास लीजिए, सिलेक्शन लीजिए, फिर भूल जाइएगा, मेरे पास ही रहने दीजिएगा, बस ट्रिक सही है, सिलेक्शन लेने तक अपने पास रखिएगा। द अवेलेबिलिटी के बाद ये बात पक्की है, पी आएगा। अब पी कितनों में है ये देख लीजिए फटाफट से। पी सिर्फ और सिर्फ पहले ऑप्शन में है, बाकी किसी भी ऑप्शन में पी से शुरुआत हुई ही नहीं है, तो मैं आगे का ऑप्शन क्यों पढ़ूँ? तो मेरा साफ साफ यहाँ आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। 45 का ए आंसर हो जाएगा, आप लोग चेक करते चले जाएगा हाथ के हाथ अपने आंसर अपनी नोटबुक में या फिर बुक में लिखते हुए चले जाएगा, जो भी आपको रूल लिखना हो। अगला देखें जरा ध्यान से, 46 की अगर मैं बात करूँ तो 46 सेंटेंस में उसने कहा, कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द डायमंड्स, मोस्ट ऑफ द डायमंड्स फाउंड। अब हमारे पास ऑप्शन है पी, क्यू, आर, एस। आर हाई, वेयर द प्रेशर ऑन अर्थ द अर्थ क्रस्ट, मोस्ट ऑफ द डायमंड्स फाउंड, जितने भी डायमंड्स हैं पाए जाते हैं। अब आपको पता ही है फाउंड का मतलब पाए जाते हैं, कहाँ पाए गए हैं?
पाए जाते हैं, पाए गए हैं, कहाँ पाए गए हैं ये भी तो बताना होगा ना। मोस्ट ऑफ द डायमंड्स आर फाउंड ऑन अर्थ, कहाँ पाए गए हैं, अर्थ। वेयर वर फॉर्म्ड, वर फॉर्म्ड बिलो, बिलो मतलब नीचे, किसके, द अर्थ क्रस्ट के, किसके, द अर्थ क्रस्ट के, यानी कि ये कन्फर्म है कि आर और एस इकट्ठे आएंगे। अब आर एस कितनों में आ रहे हैं ये भी कन्फर्म है कि तुरंत बाद आ रहेगा। आर आपका सी में है, आर आपका डी में है, आर एस के ओ पी और आर पी एस के ओ, लेकिन आर के बाद एस आया सिर्फ और सिर्फ सी में। सो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सी, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, ये आपका टाइप टू का सेंटेंस है। यस सेंटेंस है कई सारे, आपको सीक्वेंस इन ऑर्डर लगाना है। पहले सेंटेंस में कहा कि मैनी पीपल एडवाइज मी अगेंस्ट ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश, कई लोगों ने मुझे एडवाइस दी कि इंग्लिश आपको ऑप्ट नहीं करना है, यानी कि इंग्लिश में एग्ज़ाम नहीं देना है, एडवाइस दी लोगों ने, अच्छी बात है। पी द रीज़न आई लव द सब्जेक्ट, कारण मैं इसको पसंद करता हूँ। अगर मैं इंग्लिश पसंद करता हूँ तो लोग मुझे एडवाइस करेंगे कि आप इंग्लिश में मत देना एग्ज़ाम, फिर तो एडवाइस करेंगे आप इंग्लिश में ही देना एग्ज़ाम, तो ये इसका पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्यों। सिमिलरली आई चूज पॉलिटिकल साइंस, नो नो नो, आर पी क्यू आर, आई डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर इट, लोगों ने मुझे एडवाइस दी कि आपको इंग्लिश नहीं करनी है, लेकिन मैंने डिसाइड किया मैं इंग्लिश ही करूँगा। क्यों करूँगा, क्योंकि द रीज़न आई लव द सब्जेक्ट, मैं इस सब्जेक्ट को पसंद करता हूँ, कोई मेरे जैसा ही होगा। आर पी इकट्ठे आएंगे, कितनों में हैं, आर पी इकट्ठे सी में भी हैं और बी में भी, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर बी भी हो सकता है अभी तक और सी भी हो सकता है अभी तक। मैनी पीपल एडवाइज मी अगेंस्ट ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश, आई डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर इट, द रीज़न आई लव द सब्जेक्ट, द रीज़न इज आई लव द सब्जेक्ट, ये दोनों में है आर पी आर पी। अब देखते हैं आगे सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या रहने वाला है। सिमिलरली आई चूज़ पोलिटिकल साइंस, आई फाइंड पोलिटिकल साइंस एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, यानी कि फिर आएगा क्यू, फिर आपका आएगा एस। सो स्टूडेंट, मुझे भी एक बार याद है कि ग्रामीण बैंक के जो हैं फॉर्म चल रहे थे उस समय पे, आरआरबी ग्रामीण बैंक, आपको पता ही होगा बच्चों। तो ग्रामीण बैंक में क्या रहता है, क्लर्क के एग्ज़ाम में आप इंग्लिश भी करना चाहे तो इंग्लिश कर सकते हो और हिंदी करना चाहे तो हिंदी भी कर सकते हैं। 40-40 मार्क्स का ईच पेपर होता था उस टाइम पे, सारे सब ट्राई करते थे। तो मैं 40 मार्क्स का पेपर उन दिनों करके आया, मास्टर तो मैं नहीं था उन दिनों, मतलब इतना एक्सपर्ट मास्टर नहीं था, पढ़ा रहे थे बहुत छोटे लेवल पे। तो मेरा क्लर्क के एग्ज़ाम में 40 में से लगभग 31 या 33 मार्क्स आए, मुझे याद नहीं कन्फर्म। तो मेरे कुछ फ्रेंड हिंदी करके आए, उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप हिंदी करते तो आपके यहाँ मार्क्स बढ़ सकते थे, क्योंकि उनके 38 39 भी ऐसे मार्क्स आए हुए थे हिंदी में। मुझे भी लगा यार सही कह रहे हैं वाकई में, अगर मैं हिंदी करता तो मेरे मार्क्स बढ़ सकते थे। अब IBPS ग्रामीण बैंक के फॉर्म बने हैं, फिर चलते रहते हैं फॉर्म, हर साल आते हैं इसके फॉर्म। PO का शायद मेरा था एग्ज़ाम या फिर तुरंत ही बाद मेरा एग्ज़ाम था शायद। तो मैंने जब दोबारा देने गया एग्ज़ाम में कुछ ही समय बाद, तो मैंने हिंदी की और आप यकीन नहीं करेंगे मैं पास भी नहीं हुआ। शायद वो IBPS PO का था, एक तो हिंदी उसमें हार्ड थी क्योंकि PO का था, पहले वाला क्लर्क का था। दूसरी बात, मेरा विषय नहीं है हिंदी, इसलिए तो मैं इंग्लिश ही करके आता, कम से कम पास तो होता, तो मैं क्वालिफाई भी नहीं कर पाया था। तो इसी तरह से इस सेंटेंस में भी लोगों ने उसको एडवाइस दी कि इंग्लिश नहीं करनी है, लेकिन उसने फिर भी इंग्लिश की क्योंकि वो उसका फेवरेट सब्जेक्ट था। क्या था उसका वो फेवरेट सब्जेक्ट। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू, यह सच है, इट इज़ ट्रू, यह सच है, यह सच है, क्या, इट इज़ ट्रू दैट, सेंटेंस आर से शुरू होगा, इट इज़ ट्रू दैट वी आर नॉट बोर्न टू बी हैप्पी बट वी आर बोर्न टू सीक हैप्पीनेस, इट इज़ ट्रू दैट वी आर नॉट बोर्न टू बी हैप्पी बट वी आर बोर्न टू सीक हैप्पीनेस। क्लियर बात। तो सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका आर से, किससे स्टार्ट होगा आपका आर से, आर के बाद आपका आएगा पी जो कि है सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत ही प्यारा सेंटेंस, ध्यान से। इनडिस्क्रिमिनेट इंडस्ट्रियलाइजेशन रिजल्टेड, ख़त्म बात, पहला सेंटेंस वर्ब पे ख़त्म,
सेकंड फॉर्म पे, मैं इसकी बात ही नहीं करूँगा, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। मुझे जो है साफ साफ दिखाई दे रहा है क्यों में सर्च, क्या दिखाई दे रहा है मुझे क्यों में सर्च, आपको भी दिख रहा होगा। यस, जैसे मुझे दिख रहा है ऐसे आपको भी दिख रहा होगा, लेकिन आपको वो नहीं दिख रहा जो मुझे दिख रहा है। आपको ये दिखना चाहिए कि जब भी सर्च आएगा तो इसके साथ ऑफ जरूर आएगा। क्या आएगा उसके साथ में? उसके ऑफ। अब ऑफ कितनों में? सर्च के तुरंत बाद अगर मैं गौर करूँ तो वह है सिर्फ और सिर्फ सिक्स सेंटेंस में। किस में? सिक्स में। यस, तो सिक्स सेंटेंस में है आपका ऑफ, यानी कि ये कन्फर्म हुआ कि क्यों सबसे आखिरी में आएगा। सबसे में आखिर में क्यों आएगा आपका? क्यों के बाद सिक्स आएगा, ये कन्फर्म है। क्यों कितनों में है आखिरी में, ये देख लीजिए। अब आप भाई ऑप्शन मिलेंगे आपको, ऑप्शन वाले एग्ज़ाम्स, ये बड़ा कमाल का फंडा है। देखिए क्या प्रक्रिया है, आंसर सामने है फिर भी नहीं पता। आंसर हमारे सामने है अगर देखा जाए तो, लेकिन हमें फिर भी नहीं पता है कि आंसर कौन सा है। आप सोचिए आईएएस के एग्ज़ाम्स जहाँ पर आपको आंसर खुद से लिखना होता है, और लिखने का मतलब किसी के मन में कुछ आएगा और किसी के मन में कुछ, या तो आपके सामने आंसर है ऑप्शन है, सिर्फ नकली तो मारनी है, आंसर भी है साथ में ऑप्शन भी है, ये भी पूछ रहा है कि बताओ ये कौन सा होगा, उसके बाद भी नहीं हम लगा पा रहे, तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। यानी कि कन्फर्म है कि क्यों सबसे आखिरी में आएगा, क्यों सिर्फ और सिर्फ सी के आखिरी में है, इसका आंसर सी ही हो जाएगा। ऑप्शन वाले एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही करना है। पी क्यू आर एस में आपको पूरा पी क्यू आर एस नहीं बना के देखना है भाइयों, अगर आप पूरा पी क्यू आर एस बनाएंगे तो पहली बात तो आप बना नहीं पाएंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और अगर बना भी लिया तो समय कितना लग जाएगा, समय की बर्बादी भी तो देखे ना। इंग्लिश का पेपर यहाँ पर आपको 10 घंटे का पढ़ना हो रहा है, 2 घंटे का एग्ज़ाम है, आपको 2 घंटे एग्ज़ाम में ही क्लियर करना जो भी करना है। कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फ़ोन्स, सेंटेंस नंबर पहला, कंप्यूटर एंड मोबाइल फ़ोन्स सेंटेंस, सब्जेक्ट आया सिर्फ और सिर्फ, क्या आया सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब नहीं आई है, वर्ब यहाँ पर नहीं आई आपके अभी तक भी। हमें ढूंढनी है यहाँ पर वर्ब, वर्ब कितनों में है जरा उसे ढूंढिए फटाफट से। पी में ग्रामर आया जो कि वर्ब नहीं है, क्यू में आर आया वर्ब है, एस आर में लेजी है जो कि एडजेक्टिव है, और एस में आईएनजी फॉर्म है, और आईएनजी फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकती, ये मैं बता चुका हूँ। तो यानी कि अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, सिर्फ और सिर्फ क्यू, सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका क्यू से, ये तो कन्फर्म है। कंप्यूटर एंड मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर एंड मोबाइल फ़ोन्स आर टर्निंग अस इनटू, हमें बना दिया है, क्या बना दिया इन्होंने हमें, इन्होंने हमें आलसी बना दिया, क्या बना दिया इन्होंने हमें आलसी, ये भी कन्फर्म है कि क्यों के बाद आर आएगा। ऑप्शन मेरे पास यहाँ नहीं है, ऑप्शन मेरे पास अगले पेज में, चलते हैं अगले पेज पर। क्यों के बाद क्या आएगा आपका, आर, क्यों के बाद आर कितनों में है आपको भी दिख रहा होगा, क्या मैं बताऊँ इसका आंसर, अब भी मैं नहीं बताऊँगा, चलते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ग्रीड इज़ रिगार्डेड एज, ग्रीड यानी कि लालच इज़ रिगार्डेड एज, माना जाता है क्या, इमोरल बिहेवियर, अनैतिक व्यवहार, यानी कि एक कन्फर्म है, सेंटेंस एस से स्टार्ट होगा। दूसरी बात इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे तीन ऑप्शन आपके एस से हैं, तीन ऑप्शन आपके यहाँ पे एस से हैं और एक ऑप्शन आर से। ग्रीड इज़ रिगार्डेड एज इमोरल बिहेवियर, ग्रीड इज़ रिगार्डेड एज इमोरल बिहेवियर, कन्फर्म है बात। अब आपको ढूंढना है नेक्स्ट, क्या ढूंढना है आपको यहाँ पे, नेक्स्ट, बिकॉज इट हैज़ डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट, बिकॉज इट हैज़, यहाँ पे ग्रीड इज़ रिगार्डेड एज इमोरल बिहेवियर, क्यों, क्योंकि इट हैज़, यानी कि आपका एस के बाद आएगा क्यों, अब एस के बाद क्यों दो में है, अब क्यों के बाद क्या आना चाहिए, ग्रीड इज़ रिगार्डेड एज इमोरल बिहेवियर बिकॉज इट हैज़ पॉसिबल रूइनियस एंड डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे अगर मैं चाहता तो इसका आंसर पहले भी निकाल सकता था, इससे पहले भी मैंने आपको जानबूझ के इतना थोड़ा सा कराया, अब जरा दूसरा मेथड देखिए तो करने का क्या रहेगा। मैंने कहा कि जब भी क्रोटेस करिए, क्रोटेस पी क्यू आर एस, माफी चाहूँगा, पी क्यू आर एस के लिए हमारा एक वीडियो भी पड़ा है यूट्यूब पर, पी क्यू आर एस बाय सौरवजन सर, आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं इसका लिंक जो है ग्रुप में डाल दूँगा उस वीडियो का, नहीं तो इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और भी ईजी हो जाएगा आपके लिए, उसको भी देखेगा वीडियो को। सेंटेंस में जब भी आपको एंड दिख जाए, अब जरा मैं अगर बात करूँ पहले सेंटेंस की, पी की ही, तो पी सेंटेंस में मुझे एंड दिख रहा है, क्या दिख रहा है मुझे, एंड, एंड से पहले दिख रहा है रुइन, और एंड दिख रहा है फिर, रुइन का होता है बर्बाद, क्या होता है, बर्बाद हो जाना या कर देना, बिल्डिंग वगैरह के लिए भी लगता है। तो यानी कि एंड के बाद भी मैंने आपको बताया कि एंड बट और ये तीन ही तो ऐसी कंजक्शन है जिनकी जरूरत सेम रहता है, एंड के पीछे अगर रुइन है तो एंड के बाद भी कोई बर्बाद करने वाला ही वर्ड होगा,
अब एंड के बाद यहाँ पर कौन सा वर्ड आ सकता है? बिकॉज तो आने से रहा, बिकॉज एंड खुद कंजक्शन है और बिकॉज भी कंजक्शन है। एंड के बाद डिस्ट्रक्टिव या इमोरल, एंड के बाद आपको आएगा डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि पीछे भी रुइन है और आगे भी डिस्ट्रक्टिव है, पीछे भी एडजेक्टिव है आगे भी एडजेक्टिव है, यानी कि ये कन्फर्म था कि पी और आर एक साथ आएंगे, पी और आर एक साथ आएंगे। आप यहाँ से भी फैसला कर सकते थे पी और आर एक साथ आपके दो में है, सी में और बी में, बी में और सी में। सेंटेंस एस आएगा, एस से स्टार्ट होगा, ये पता चल चुका था। एस के बाद क्यू आएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, करेक्ट। 52 देखिए, 52 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि द ट्रांजिशन फॉर्म, ट्रांजिशन फ्रॉम, फ्रॉम के साथ हमेशा चलता है टू, क्या चलता है टू, जो कि है पी में। द ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज, स्कूल टू कॉलेज, यानी कि जो ट्रांजिशन हुआ है स्कूल से कॉलेज में। अब यहाँ से फ्रॉम से टू आएगा, ये कन्फर्म है, यानी कि पी से सेंटेंस शुरू होगा, पी से सेंटेंस आपके दो शुरू हो रहे हैं, एक तो बी और एक सी। द ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज, लेकिन अभी तक भी कमाल की बात यह है कि वर्ब नहीं आई है, और दुनिया कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बन सकता। क्या कह रहा है कि द ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज, ये पूरा हिसाब कर दीजिए ख़त्म, मुझे इसकी वर्ब चाहिए। वर्ब कहाँ पर है, क्यों में है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन मीट फर्स्ट फॉर्म है, जो कि प्लूरल मानी जाती है। क्या मानी जाती है, आप इसे नहीं लगा सकते बिकॉज ये सिंगुलर है, ट्रांजिशन। आर के पास वर्ब भी नहीं है, वर्ब किसके पास है, एस के पास, किसके पास है वर्ब, यानी कि ये कन्फर्म है कि यहाँ पे पहले सेंटेंस के बाद आपका आएगा पी और पी के बाद आपका आएगा एस, पी के बाद एस आपका सिर्फ और सिर्फ बी में है, इस सेंटेंस का ऑप्शन हो जाएगा बी, करेक्ट। क्लियर है बात, अभी समझ में आ गया खूब अच्छे से, तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी। मेरे कराने के बाद आप खुद भी कीजिएगा, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ध्यान रखिए। द रेलवे हैज़, द रेलवेज हैव लॉन्च, रेलवे लॉन्च किया है, अब लॉन्च किया है तो क्या लॉन्च किया, वेयर वन कैन फाइंड, जहाँ आप ढूंढ सकते हैं, ऑन गूगल मैप, गूगल मैप पे एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन, बिल्कुल रेलवे लॉन्च किया है एक ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्या लॉन्च किया है ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि आर से शुरू होगा। अब आर कितनों में है आपको दिख रहा होगा, आर सिर्फ और सिर्फ एक में, सी में, सी ही इसका आंसर होगा, करेक्ट। मुझे आगे बढ़ने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, आपको भी नहीं होगी। अ मैन इज बोर्न अलोन, अ मैन इज बोर्न अलोन, एंड 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 वाला दिख रहा है आपको, आर सेंटेंस, एंड वाला सेंटेंस दिख रहा है ना, डाइज अलोन। अब मैंने कहा है कि एंड के पिछली तरफ भी वैसा हिस्सा होगा जैसा अगली तरफ होगा, अगली तरफ क्या है, डाइज अलोन, डाइज मतलब मरना, यानी कि इससे पिछले हो जाएगा आपका जीना, कोई दिक्कत नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों तरफ जरूर मरना लगाएंगे, लेकिन यहाँ भी अलोन है तो यहाँ भी अलोन आ जाएगा। अ मैन इज़ बोर्न अलोन एंड डाइज अलोन, यानी कि कन्फर्म है कि सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका आर से, लेकिन आर आपका दो में है, आर के बाद क्यों भी दोनों मारा, कमाल की बात है। अ मैन इज़ बोर्न अलोन एंड डाइज अलोन एंड ही एक्सपीरियंसिस द डैश, क्लियर बात, चलो कोई बात नहीं, अभी चलते 54 पे, नेक्स्ट ऑप्शन पे। अब मुझे देखना है कि आर के बाद क्यों तो दोनों मारा है, अब एस पी लगाऊं या फिर पी एस लगाऊं, एक ट्रिक फेंक दूं यहाँ बच्चों और बढ़िया सी, चलो फेंक देता हूँ। आप एस को देखिए, एस के आखिर में क्या आ रहा है, ऑफ, क्या रहा है एस के आखिर में, ऑफ, ऑफ के बाद क्या करता है प्लूरल नाउन, क्या करता है प्लूरल नाउन। अगर मैं यहाँ पर एस लगा रहा हूँ तो क्या पी के पास प्लूरल नाउन है, नहीं, लेकिन अगर एस आखिरी में लगा रहा हूँ तो सिक्स सेंटेंस में प्लूरल नाउन है, वो है आपका एक्शंस, क्या है एक्शंस, तो ये भी कन्फर्म है कि एस आखिरी में आएगा, एस आखिरी में आएगा, एस आखिरी में यहाँ है, आर क्यू आपको पहले मिल चुका है, सेंटेंस आपका यहाँ पे बी करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, बी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, बस ये बात है, तो नेक्स्ट सेंटेंस 55 और ये लास्ट सेंटेंस होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे फ़िलहाल जो है बैटरी जो है लगभग डाउन होने को है, आपको दिख ही होगा फ़ोन में, आप भी कहेंगे सर बार बार आपकी बैटरी डाउन रहती है, आप एक बार चार्ज करके ढंग से क्यों नहीं पढ़ाते, देखिए हम लोग चार्ज करके ही पढ़ाते हैं बच्चों, लेकिन लगातार वीडियो बनाते हैं अपनी, कभी पेड ग्रुप के लिए, कभी किसी ग्रुप के लिए, कभी किसी ग्रुप के लिए, तो यहाँ पर जो है बैटरी डाउन हो जाती है एक साथ, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है प्रोग्राम, यस। तो फिलहाल यहाँ 55 सेंटेंस देखिए, 55 सेंटेंस में हमें दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए, पहला सेंटेंस तो है जो है वो छोड़ दो, लेकिन आपको क्यों में हु दिख रहा होगा, ये लो आगे बैटरी का इंडिकेशन, फटाफट देख लीजिए, क्यों में आपको हु दिख रहा होगा, हु लगता है व्यक्ति के लिए, किसके लगता है व्यक्ति के लिए,
यानी कि हु से पहले वो वर्ड होना चाहिए जिसमें कोई पर्सन खड़ा हो। क्या खड़ा हो? कोई पर्सन। क्या हु से पहले आप पी लगाएंगे जिसके आखिर में इजी है? जी नहीं। क्या हु से पहले आप आर लगाएंगे जिसके आखिर में गुड्स यानी कि सामान है? जी नहीं। हु से पहले एस लगाएंगे जिसके आखिर में पीपल है? बिल्कुल लगाऊंगा भाई, क्योंकि यही तो है व्यक्ति। यानी कि सेंटेंस में एस के बाद तुरंत क्यों आएगा ये कन्फर्म है। एस के तुरंत बाद क्यों कितनों में आ रहा है अब उसे देख लीजिए। एस के तुरंत बाद क्यों सिर्फ और सिर्फ सी में आ रहा है, बस और कहीं नहीं है। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, करेक्ट। उम्मीद करता हूँ ये लास्ट वाला सेंटेंस मैंने बड़ी जल्दी समझाया, लेकिन आपको समझ में आ चुका होगा। आगे के सेंटेंस या तो आप खुद से कर लीजिएगा, 2013 का सेट आप ढूंढ लीजिएगा, सेट नंबर 8 एमबिक बुक में मिल जाएगा, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको खुद कंप्लीट करा दूंगा। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिलहाल चलते हैं, गुड बाय।